कबीर आश्रम करखड़ी बड़ोदरा गुजरात से पधारे श्रद्धे श्री साहेब जी, मूद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर ने कहा है, या दुनिया दो रोज की मत कर या सो हेत, गुरु चरणन चितलाइए जो पूरन सुख देत। यह दुनिया दो दिनों की है, इसलिए इससे प्रेम मत करो, किंतु गुरु के चरणों में प्रेम लगाओ जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस साखी में सद्गुरु कबीर दोनों बातें हमें बताते हैं। कुछ ऐसे कर्म और व्यवहार होते हैं जिन्हें करने से व्यक्ति स्वयं तो दुखी होता ही है, परिवार समाज के लोग भी दुखी होते हैं और परिवार समाज की व्यवस्था टूटती है, लाभ किसी का कुछ नहीं हो पाता। और कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे कर्म और व्यवहार होते हैं जिन्हें करने वाला करते समय भी प्रसन्न रहता है, करने के बाद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती है। निगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक, निषेधात्मक और विधेयात्मक, नहीं करने योग्य और करने योग्य कर्म क्या क्या हैं, इसकी पहचान हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब इसकी पहचान क्या है, कौन कौन से ऐसे कर्म और व्यवहार हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कर्म और व्यवहार है जो हमें करना चाहिए, कौन बताएगा? दूसरा बताए तो विश्वास कैसे होगा, लोग तो अच्छी राय भी देते हैं गलत राय भी देते हैं, अच्छी प्रेरणा देने वाले भी लोग हैं और गलत प्रेरणा देने वाले भी लोग हैं, तो कौन काम अच्छा है और कौन काम गलत है, कसौटी क्या है, किस कसौटी में हम कसें, परंपरा की कसौटी में कसें, महापुरुषों की कसौटी में कसें या धर्मशास्त्रों की धर्म ग्रंथों की कसौटी में कसे। परंपरा, महापुरुष और धर्मशास्त्र ये हमारे लिए कसौटी हैं, लेकिन इनके भरोसे ही रहेंगे तो धोखा खाने के अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं। अनेक परंपराएं हैं,
अनेक महापुरुष हैं और अनेक धर्म ग्रंथ हैं। किस एक को हम प्रमाण माने, किस एक को हम सही माने और बाकी को गलत माने, हमारे लिए सभी महापुरुष आदरणीय हैं, श्रद्धे हैं। सभी धर्म ग्रंथों को जितना बन सके पढ़ना चाहिए और सभी परंपराओं में अच्छी बातें हैं जिनका अनुकरण करना चाहिए और इनमें परस्पर विरोध भी है तो करें क्या, कसौटी क्या है कि अमुक काम गलत और अमुक काम सही। कसौटी है हमारी अंतरात्मा, हर व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा, वह काम और व्यवहार जो दूसरे लोग आपके साथ करते हैं उन कामों और व्यवहारों को देख करके आपका मन दुखी हो जाता है, पीड़ित होता है, आप जिन्हें अपने लिए पसंद नहीं करते समझ लो वे सारे के सारे काम और व्यवहार गलत हैं। अब स्वयं अंदाज सकते हैं कि कौन कौन सा व्यवहार, कौन कौन से कर्म, कौन कौन सी बात आपको पसंद नहीं है। क्या दूसरा बताएगा, क्या कोई शास्त्र बताएगा या कोई महापुरुष बताएगा, स्वयं आप समझ सकते हैं। तो जो काम, जो व्यवहार, जो बात आप अपने लिए पसंद नहीं करते समझना ये गलत है, वो दूसरों के साथ न करें। दूसरों के वे व्यवहार, दूसरों के ऐसे कर्म, दूसरों की ऐसी बातें जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर, जिन्हें पाकर आपका मन प्रसन्न होता है, जिन्हें आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें, क्योंकि वे सारे कर्म व्यवहार अच्छे होंगे, पवित्र होंगे। ये भी कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैंने कहा था जिस काम को करते समय हमारा मन भयभीत हो, करने के बाद भी हमारा मन डरा हुआ हो और हमारे जिस कर्म और व्यवहार से दूसरों को पीड़ा मिलती हो, असुविधा मिलती हो, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में बाधा पड़ती हो, सारे के सारे कर्म व्यवहार गलत हैं। अब कौन कौन, आप स्वयं सोचो किस काम करते समय आपका मन भयभीत होता है, आपके किस बात से, किस व्यवहार से दूसरों को पीड़ा होती है, कौन बताएगा। ये तो सहज अनाड़ी से अनाड़ी कहलाने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। ऐसे कौन से कर्म है, ऐसे कौन से व्यवहार हैं जिन्हें करते समय आपका मन निर्भय और प्रसन्न रहता है, करने के बाद भी निर्भय रहता है, दूसरों को सुविधा मिलती है, सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, आपस में परस्पर समता बढ़ती है, एकता बढ़ती है, सद्भावना बढ़ती है, समझ सामंजस्य बढ़ता है, वे सारे काम अच्छे हैं, वे सारे काम धर्म हैं, वे सारे काम पुण्य हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। ये व्यवहारिक स्तर पर इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि जानते समझते हुए भी और अपने लिए नहीं चाहते हुए भी हम दूसरों के साथ गलत कर्म और व्यवहार करते रह जाते हैं जिंदगी भर, और जो अपने लिए चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जीवन को सुख से जीने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं है, बहुत रुपये पैसे, जमीन जायदाद, मठ मकान, गुरुवाई गद्दी और मान प्रतिभा और पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता है सहज होने की, सहज रहने की, सहज जीवन जीने की। लेकिन हम सहज जीवन नहीं जी पाते, असहज हो जाते हैं। असहज होने का कारण है अपने आप को बाहर के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से जोड़ते चले जाना। धन मिला, थोड़ा धन ज्यादा बढ़ गया, हमने जोड़ लिया अपने आप को धन से, हमने मान लिया कि हम बड़े आदमी, हम धनवान। अब जो हमसे कम धनी है या गरीब है उनके साथ हमारा व्यवहार सामंजस्यपूर्ण नहीं रहेगा। हम उनका बात बात में तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, उन्हें अपने से छोटा समझेंगे। बल मिला, विद्या मिली, पद मिला, अधिकार मिला, गद्दी मिले, अपने को जोड़ लिए, किसी भी चीज से अपने को जोड़ करके बड़ा जब हम मान लेते हैं तो हम सहज नहीं रह पाते और हमारा व्यवहार भी सहज नहीं रह पाता। असहजता आ जाती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। हम ये नहीं समझ पाते कि जिन चीजों से हम अपने को जोड़ रहे हैं और जिनसे जोड़कर हम अपने को दूसरों से ज्यादा योग्य, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा बड़ा मान रहे हैं, वे कोई भी चीज स्थिर रहने वाली है नहीं, आने वाली है और जाने वाली है, मिलने और बिछुड़ने वाली है और अंत में विनष्ट हो जाने वाली है। जो चीजें मिली या जो चीजें मिले उनका अपने जीवन निर्वाह के लिए, आत्मकल्याण के लिए और समाज सेवा के लिए प्रयोग कर लें, बस जोड़े ना अपने आप, जोड़ करके बड़ा ना माने। जब प्रयोग करेंगे तो सहज रहेंगे। तो बात यह है, मैं कबीर साहब की साखी कह रहा था, या दुनिया दो रोज की मत कर या सो है। इसमें एक निगेटिव संदेश साहब का, साहब मना कर रहे हैं कि नहीं करना है। क्या नहीं करना है? दुनिया से हेत नहीं करना है। हेत का तो अर्थ होता है प्रेम, लेकिन यहां अर्थ है मोह, आसक्त, लगाव। क्यों? दुनिया दो रोज की है। दो रोज ये कहने का तरीका है, कहीं साहब ने 10 दिन का कहा है, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर, यह संसार है जस सेमल को फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कहीं 4 दिन की बात कही जाती है, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन शाब्दिक अर्थ पकड़ना नहीं है, अर्थ है थोड़ा समय, अल्पकालीन। तो दुनिया 2 दिन की है सचमुच में? क्या सचमुच में दुनिया 2 दिन की है? दुनिया 2 दिन की नहीं है, दुनिया तो सदा काल से है, सदा काल रहने वाली है। कब नहीं थी दुनिया? कभी ऐसा समय था जब दुनिया नहीं थी तो कहां से आ गई? जो चीज थी ही नहीं वो कहां से आएगी? ना सतो विद्यतो भावो, ना भाव विद्यते सतः, एक गीता में कहा गया है। असत का भाव नहीं होता और जो भाव है, जो विद्यमान है, उस वो असत नहीं होता। रूप बदल जाता है, बात अलग है, लेकिन जो द्रव्य है, मूल द्रव्य, वे बनते नहीं हैं, वे सदा काल के होते हैं। दुनिया हमारे सामने है, हम दुनिया में बहुत सारी चीजों को बनते देखते हैं
और ये भी देखते हैं कि इन चीजों को बनाने वाला कोई है। तो हम कल्पना करते हैं बिना बने कोई चीज, बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं है तो दुनिया कैसे बनी होगी, दुनिया को बनाने वाला कौन होगा। ये प्रश्न सदा काल से होता रहा है, सब समय हर आदमी के मन में ये जिज्ञासा होती रही है कि दुनिया कैसे बनी, कहाँ से बनी, किससे बनी और दुनिया किसने बनाई। और एक उत्तर नहीं मिलेगा आपको, जितने मुख उतनी बातें, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन किस भगवान ने दुनिया बनाई। हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमान का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग है। मुसलमानों का भगवान ने कहा, खुदा ने, अल्लाह ने कहा हो, बस हो गया, खुदा की जबान से निकला हो और एक सेकंड में पूरे अन्ना ब्रह्मांड बन गया, कहना नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। नई बाइबिल के अनुसार भगवान ने छह दिन में दुनिया बनाई और छह दिन में दुनिया बनाते बनाते थक गया तो सातवें दिन विश्राम किया, इसलिए आज भी रविवार को छुट्टी होती है। यदि भगवान सातों दिन बनाता ना दुनिया तो रविवार छुट्टी भी ना होना बंद हो गया होता। तो वहां वैसा कह दिया गया। मैटर नित्य है और नित्य मैटर के नित्य उनके अपने गुण धर्म है। जितने भी मूल द्रव्य है उनका नाम आप कुछ भी कह लो, हम मिट्टी पानी आग हवा कह देते हैं समान देहाती भाषा में। वैज्ञानिक लोग पता नहीं 100 से अधिक तत्वों का निरूपण करते हैं, लेकिन इतना सत्य है जितने मैटर हैं, जो द्रव्य हैं, वे नित्य हैं और कोई भी द्रव्य बिना गति के रहता नहीं है। कोई भी जो भौतिक द्रव्य है उसमें गति होगी होगी और गति में मिलना होता है, गति में बिछुड़ना होता है, उसी मिलने और बिछुड़ने में बनना और बिगड़ना होता है, इसमें किसी की आवश्यकता ही क्या है। यदि हम मूल भौतिक द्रव्यों के गुणधर्मों को समझ सकें और निष्पक्ष होकर के अध्ययन करना चाहें तो दुनिया बनाने वाले की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम मूल भौतिक द्रव्यों को समझने का प्रयास नहीं करते, परंपरा का बोझ हमारे दिमाग पर लदा रहता है। इसलिए भी हमारे शास्त्रों में लोगों ऐसा कहा गया है, हमारा सोचना शास्त्रों के विरुद्ध हो जाएगा, धर्म विरुद्ध हो जाएगा, पर वहाँ पर हम निष्पक्ष नहीं रह पाते। मैंने कहा सारे शास्त्र हमारे लिए आदरणीय हैं, सारे ऋषि मुनि किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, दुनिया के कहीं के हों, हमारे लिए श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और सारी परंपराएं आदरणीय हैं, लेकिन आँख मूंद कर हमें किसी की बात को मानना नहीं है। जो विवेक पूर्वक हो, तर्क पूर्वक हो, प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, वो मानने योग्य है। तो बात यह है कि दुनिया कैसे बनी, सब समय यह प्रश्न रहा है और सब समय उत्तर देने वाले अलग अलग रहे हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, बहुत बढ़िया मंत्र है, को ददर्थ प्रथमम जायमानम अस्थनमंतम यद अनस्था विभर्त भूम्या स्वरूप श्रीगात्मा को आशित को विद्वान समुपगात प्रष्टुमेतत् को ददर्श प्रथमम जायमानम। को ददर्श किसने देखा, प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होने वाले को, को ददर्श प्रथमम जायमानम यद अनस्था विभर्त अस्थनमंतम यद अनस्था विभर्त। अस्थनमंत का अर्थ होता है हड्डी वाला,
अनस्था का अर्थ होता है हड्डी रहित। ये जो शुद्ध प्रकृति है हड्डी रहित है, स्थूल नहीं है। ये सूक्ष्म प्रकृति जो स्थूल जगत को धारण करके घूम रही है, इस सूक्ष्म प्रकृति को पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा? ये ऋग्वेद के ऋषि का प्रश्न है। संकेत से यहां ऋषि कहते हैं ये दुनिया सदा से थी, पहले कौन देखा, पहले क्या बना, कैसे बना? भूम्यासुर श्रीगात्मा को आशीष, भूमि से अर्थात जड़ तत्वों से ये असु और अस्त्रिक प्राण और रक्त बन गए, मतलब स्थूल प्रकृति से प्रकृति जड़ प्रकृति से स्थूल शरीर की रचना हो गई। यह हमारा स्थूल शरीर बन गया, लेकिन आत्मा को आशित, ये आत्मा कहाँ से आ गए, जीव कहाँ से आ गया? क्योंकि किसी भी मूल भौतिक द्रव्य में चेतना गुण नहीं है, जानने का गुण नहीं है, सुख दुख अनुभव करने का गुण नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे सामने चेतना एक गुण है, एक ऐसा तत्व है जो ज्ञान करता है, जिसे सुख दुख का अनुभव करता है। तो जब मूल प्रकृति में, प्रकृति के किसी भी तत्व में जानने का, सुख दुख अनुभव करने का, ज्ञान का गुण नहीं है, तो उनके संयोग से बनने वाले जो पदार्थ हैं उनमें ये चेतना गुण कहाँ से आ जाएगा? और चेतना प्रत्यक्ष है, और कोई भी गुण बिना द्रव्य के रहता नहीं है। कोई भी गुण गुणी में होगा, किसी द्रव्य में होगा। और चेतना एक गुण है, ज्ञान एक गुण है, तो आकाश में तो तैरेगा नहीं ये गुण, उसके लिए कोई द्रव्य चाहिए। उसी द्रव्य को अध्यात्म की भाषा में जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल, ब्रह्म, खुदा, गाड आदि अनेक नामों से हमारे संत महात्मा कहते आए हैं। इन नामों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, तत्व को समझने की बात है। मैं मूल स्थान पर आता हूँ। सहज जो कहते हैं या दुनिया दो रोज की, तो दुनिया दो रोज की नहीं है। कबीर साहब दुनिया को अनादि मानते हैं। वस्तुतः दुनिया का और हमारा जो संबंध है ये थोड़े समय का है। हमारे शरीर के जन्म के पहले आज के जो प्राणी पदार्थ हैं, क्या हमारा संबंध था? आज के माता पिता, भाई बंधु, खेत खलिहान, घर द्वार, या जो कुछ हम अपना मानते हैं, जन्म के पहले हमारा संबंध था? और जब शरीर की मौत हो जाएगी तो जिन्हें हम अपना कहते हैं, क्या उनसे हमारा संबंध रहेगा? आज का सारा संबंध जन्म के पश्चात ही शुरू हुआ है, धीरे 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 करते करते। जन्म लेकर के आए, सबसे पहले हमने अपनी माँ को जाना, क्योंकि माँ हमें दूध पिलाती थी, हमारी रक्षा करती थी। फिर माँ ने बताया, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे दादा है, तुम्हारे दादे। बड़े होते गए, लोग मिलते गए, बताते गए, संबंध हमारा जुड़ता चला गया। ये संबंध स्थायी नहीं है। जिनको लेकर हम अपना अहंकार करते हैं, जिनको लेकर हम अपने को बड़ा मानते हैं, साहब कहते हैं तुम्हारा संबंध बहुत क्षणिक है, दो दिन का है। इसलिए कोई भी मिल जाए, किसी से भी मोह मत करो। जन्म लेकर दुनिया में आए हैं तो यहां किसी से मोह ना करें, किसी से बैर ना करें, किंतु दुनिया की सेवा करें। अपना निर्वाह तो मजबूरी, अपना निर्वाह नहीं करेंगे तो जीवित ही नहीं रहेंगे, सेवा क्या करेंगे? लेकिन अपना निर्वाह क्यों करना है,
दो काम के लिए, आत्मकल्याण का काम करने के लिए और दुनिया की सेवा करने के लिए। आत्मनो मोक्षा जगत धिताय, हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमें मानव जीवन क्यों मिला हुआ है, आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के स्वयं के मोक्ष के लिए और जगत धिताय, जगत के हित के लिए, दुनिया की सेवा के लिए। सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम सेवा कम करते हैं मुंह बना करके बैठ जाते हैं या अहंकार गांठ करके बैठ जाते हैं। किसका अहंकार भाई? सबसे निकट माना हुआ हमारा शरीर है, और ये शरीर ही कब मिट्टी में मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज की गारंटी दी जा सकती है, ये हाल बना है, ये मकान बना है, इसमें लगे हुए जो सामग्री है, ईंट सीमेंट बालू लोहा आदि, इसको देख करके इंजीनियर बता सकता है यदि कोई प्राकृतिक आपदा ना हुई तो ये मकान, ये हाल इतने वर्षों तक सुरक्षित खड़ा रह सकता है। लेकिन बड़ा सा बड़ा इंजीनियर, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर या बड़ा सा बड़ा कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि ये आदमी इतने दिन तक जीवित रहेगा ही रहेगा, गारंटी नहीं दे सकता। सब चीज की गारंटी दी जा सकती है, जीवन के शरीर की गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन हम जीते ऐसे हैं मानो हजारों हजारों साल तक हमें जीना है। यही भ्रम हमें न तो आत्मकल्याण का काम करने देता है और न ही दुनिया की सेवा करने देता है। मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, मौत से डरते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मौत तो आएगी जरूर, लेकिन मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज से हम बच ही नहीं सकते उसे डरना बेकार, और मौत से कौन बचा है आज तक? कोई नहीं बचा है, कोई बचेगा ही नहीं। तो जिस चीज से हम बच ही नहीं सकते, जिसे हम रोक ही नहीं सकते, उसे डरना बेकार है। डरे किससे? जिसे हम बच सकते, जिसे हम रोक सकते, जो हमारे हाथ में है। और मौत कब होगी? हमारे हाथ में नहीं है, उसे हम कहीं चले जाए, कहीं चले जाए, शरीर की मौत होगी ही होगी, इसलिए उसे डरना नहीं है। डरना किससे है? जिससे हमारा जीवन बिगड़ता, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। किसी संत ने बहुत बढ़िया कहा है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। ये हमारे हाथ में है, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे वचन से किसी को तकलीफ ना होने पाए, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमने तन मन वचन से किसी को तकलीफ दिया तो आज नहीं तो कल उसका फल हम मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई बचने का रास्ता भी नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया का और तुम्हारा संबंध सदैव क्षणिक है, बहुत अल्पकाल है। विनम्र बन करके जियो। बड़े बड़े लोग आए जिनके हंगामों से थे आबाद बिराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई। करोगे क्या? इसलिए विनम्र बन जाए। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। किसी कवि ने कहा है, यदुपते क्वागतो मथुरा पुरी,
रघुपते क्वा गतो उत्तर कोसला इति विचिन मनकृत स्थिरम न दिदम जगदित्य धारिय। यदुपति महाराज श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारका का ऐश्वर्य कहाँ गया? आज आप जाए जिस समय महाराज श्री कृष्ण मथुरा में रहते रहे होंगे और मथुरा छोड़कर जब द्वारका गए, द्वारका उन्होंने बताया, उसमें द्वारका की जो गहमा गहमी, जो रौनक, जो चमक दमक, जो ऐश्वर्य आज खोदने जाए तो मिलेगा आपको? कुछ नहीं होगा, सब बियाबान। आज जो कुछ भी वहां है सब बहुत अर्वाचीन है, बहुत पहले का नहीं। रघुपति का गतो उत्तर कोसला, रघुपति महाराज रामचंद्र के उत्तर कोसल का ऐश्वर्य कहाँ गया? जिस समय राम अयोध्या में राज करते रहे होंगे, लंका विजय के पश्चात जब उनका राज तिलक हुआ और वहाँ राज करते रहे, उस समय का वहाँ का ऐश्वर्य कहीं मिलने वाला है आज? सब कुछ काल के गाल में विलीन हो गया है। इति विचिंत कहने वाला कहता है, इस बात पर सोचो कि तुम्हारा क्या रह जाएगा, किसका अहंकार कर, और ये क्या करना है तुम्हें ये सोचो। गाफिल होने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाद करने की आवश्यकता नहीं है, अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है विनम्र हो करके तथ्य पर, तत्व पर चिंतन करने की। अहंकार नहीं, मोह नहीं, सेवा और प्रेम, सुख से जीने के रास्ते दो हैं सेवा और प्रेम। जितना अधिक अधिक सेवा कर सकते हैं और लोगों को अधिक से अधिक प्रेम दे सकते हैं वो देते चले, और जो देते जाएंगे वो मिलता चला जाएगा। सेवा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं दे सकते, तो कम से कम दूसरों को तन मन वचन से दुख देना बंद कर दे। किसी के साथ गलत व्यवहार करना बंद कर दे। इतना तो कर सकते हैं ना, समय नहीं है, योग्यता नहीं है, स्थिति नहीं है, सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दुख देना बंद कर दो। प्रेम नहीं कर सकते, बैर करना बंद कर दो, गलत व्यवहार करना बंद कर दो, अपने आप सब बढ़िया हो जाएगा। दुनिया में कोई किसी से बैर ना करे, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा मार पीट ना करे, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, कोई किसी को तन वचन से दुख ना दे, तो धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। मरने के पश्चात स्वर्ग की कल्पना करने की कोई आवश्यकता ना होगी। दुर्भाग्य यह है लोग सेवा तो कम करते हैं, हैं सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन तकलीफ देने वाले, कुसेवा करने वाले ज्यादा हैं, प्रेम करने वाले कम हैं, बैर करने वाले, लड़ाई झगड़ा बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले, उलझाने वाले, बैर विरोध करने वाले, मारपीट करने वाले ज्यादा हैं। और ये सब करने वाले में वालों में भी कितने लोग भगवान के भगत हैं। एक तरफ भगवान की भक्ति चलती है, एक तरफ गलत व्यवहार भी चलता है। न हमने भगवान को समझा, न अपने आत्मा को समझा, न दुनिया को समझा, परिणाम क्या हो? वही जो हो रहा है। इस साखी में सद्गुरु कबीर ये कहते हैं, या दुनिया दो रोज की मत कर या तो खेत। तुम्हारा और दुनिया का जो संबंध है बहुत थोड़े समय का है, बहुत थोड़े समय का है। शाह जी कहा करते हैं, आँख खुली सपना गया। रात में सोते समय हम सपना देखते हैं, कैसे 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 सपना देखते हैं आँख बंद करके, लेकिन जब आँख खुलती है तब सपने में जो कुछ भी मिला रहता है गलत सही सब समाप्त। आँख खुलते सपना मिट गया, आँख खुली
सपना गया, आंख बंद हुई अपना गया, आंख मुंदी अपना गया, नींद लग जाती है, ख्याल रहता है कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं ये वो सब खत्म। आंख जब खुलती है सपना चला जाता है, आंख बंद होती है तो अपना चला जाता है। आंख खुली सपना गया, आंख मुंदी अपना गया, दो दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी दफना गया, क्या बचा भाई फिर। इल्ले साहब कहते हैं न किसी से मोह करो और न किसी से बैर करो। करना क्या है, गुरु चरण चित लाई ये जो पूरन सुख दे, गुरु के चरणों में प्रेम लगाओ, जो सब प्रकार सुख देने वाला है। तो क्या गुरु के पैर को पकड़ करके बैठ जाए, गुरु का पैर को पकड़ कर बैठ भी जाए तो कब तक रहेगा वो, जैसे सबका शरीर मरता वैसे गुरु शरीर भी मर जाएगा, तो पैर मिलेगा कहां फिर। यह स्थूल अर्थ नहीं है, अर्थ है गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो उपदेश है उसमें मन लगाओ। जितना जितना हम गुरु के ज्ञान के अनुसार, गुरु के उपदेश के अनुसार से जीवन व्यतीत करेंगे, उतना उतना हमारा जीवन ऊपर उठता जाएगा, दुख घटता जाएगा, सुख बढ़ता चला जाएगा। हम गुरु की खाली पूजा कर लेते हैं, किसी भी महापुरुष की हम केवल पूजा कर लेते हैं, उनके उपदेशों पर, उनके ज्ञान पर, उनके आचरण पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सच्ची पूजा क्या है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, गुरु की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं का पालन करना। और गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु का ज्ञान है सबसे निष्काम निर्मोह रहना, सबसे प्रेम का व्यवहार करना, सबकी सेवा करना, लेकिन सबसे निष्काम और अनासक्त होकर के रहना। सद्गुरु कबीर कहते हैं दुनिया में रहना है कैसे रहना है, कमल पत्र है संत जन बसे जगत के माए, आपन केरी धाय जो बालक केरी धाय जो आपन जानत नाए। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी से निकाल कर बाहर फेंक दो, बस दो तीन घंटे में मुरझा करके खत्म, पानी उसका जीवन है, लेकिन पानी में रहते हुए भी वो पानी में लिपायमान नहीं होता है। ऐसे ही दुनिया में ही रहना है, घर परिवार में ही रहना है, कहाँ जाएंगे। घर परिवार तो छोड़ दिए, लेकिन घर परिवार का मोह छूटा या नहीं छूटा, घर में ही रहे लेकिन कमल पत्ते के समान रहे, वहीं रह करके काम बनेगा। और घर में रहते रहते भी भक्ति नहीं है, घर में रहते रहते प्रेम नहीं है, घर में रहते रहते लोगों से प्रेम का व्यवहार करते हुए अनासक्ति नहीं है, तो जंगल जाने से भी कुछ काम होने वाला नहीं है। का भय बन को गए मन से मिटी न राग, त्याग वासना के किए घर ही में बैराग। जंगल चले गए लेकिन राग नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, दुनिया की याद नहीं छूटी, तो जंगल जाना से क्या होगा। और घर में ही रह रहे हैं, घर का सारा काम व्यवहार कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन मन को ऊपर उठा करके कर रहे हैं, तो घर में ही वैराग हो सकता है, घर में रहकर ही साधना हो सकती है। कठिनाई भले हो लेकिन साधना करने के लिए अमुक जगह की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी रह करके आदमी साधना कर अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। घर में रहें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कैसे रहें। इस संबंध में ये उदाहरण अक्सर संत गुरुजन दिया करते हैं,
और बहुत बढ़िया तरीका है, उदाहरण बहुत बढ़िया सटीक। दुनिया में रहना है, शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, और यहीं रह करके काम करना है, कैसे? नारियल आप सब जानते अच्छी तरह से, भारत में रहने वाला आदमी नारियल से अपरिचित कैसे होगा? कितना बढ़िया फल होता है नारियल, स्वादिष्ट, पौष्टिक, पवित्र भी माना जाता है, हर धार्मिक कार्य में नारियल का प्रयोग होता है। नारियल एक कच्चा होता है और एक सूखा होता है, दोनों के भीतर गरी होती है, सूखी गरी भी खाई जाती है और कच्ची गरी भी खाई जाती है, दोनों के भीतर गरी है, लेकिन फर्क क्या है? कच्चे नारियल की जो गरी होती है उसके छिलके से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, एकदम चिपकी रहती है, उसे नारियल को तोड़ो तो अंदर की जो गरी है वो साबुत नहीं निकलती है, टूट टूट कर कई हिस्से में टूट करके निकलती है, वो भी छिलके से चिपकी हुई। छिलके से निकालने के लिए चाकू, हथिया या अन्य साधन का प्रयोग करना पड़ता है उसी के भीतर, लेकिन चिपकी टूट 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 कर निकलती है, और लेकिन वही कच्चे नारियल छोड़ दो, धीरे 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 उसका जो रस है, उसका जो पानी है, सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया, और धीरे धीरे अपने आप नारियल की जो गरी है, वो जो गोला है, छिलके से अलग होता चला गया। एक समय ऐसा आता है पूरा अलग हो गया और उसी के भीतर रह रहा है, एकदम अलग, तोड़ो तो साफ पाक पूरा का पूरा गोला साबुत निकल आता है। ये उदाहरण है, हमें इसी शरीर में, परिवार में, दुनिया में रहना है, कैसे रहना है? कच्चे नारियल समान रहना है या सूखे नारियल समान रहना है? यदि मोह बनाकर रहोगे, अहंकार बनाकर के, राग बनाकर, द्वेष बनाकर, बैर बनाकर रहोगे तो दुनिया से चिपके रहोगे, टूट टूट करके, रो रो करके, पछताते पछताते दुनिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी दुनिया में, परिवार में रहते रहते, सेवा करते करते, अपने भीतर मन में जो मोह है, राग है, द्वेष है, आसक्ति है, सुखाते जाओ, सुखाते जाओ, सुखाते जाओ, इसे घटाते जाओ, घटाते जाओ, फिर ऐसा लगेगा कि घर में रहते भी आप नहीं रह पाओगे, अब तब आपको बिल्कुल साबुत निकल जाओगे। यही काम करना है, और इसी के लिए गुरु का आदेश है कि प्रेम करो, लेकिन प्रेम करते हुए भी सबसे निष्काम और अनासक्त हो जाओ। ये गुरु की सीख इसी के लिए है, लेकिन हम गुरु की सीख को समझते नहीं हैं, मनन नहीं करते, सुन लिए बस छोड़ दिए। तो सदगुरु कबीर की साखी, या दुनिया दो रोज की मत करे आसो हेत, गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख दे। साहब कहते हैं दुनिया का तुम्हारा संबंध बहुत थोड़े समय के लिए है, इसलिए किसी का भी अहंकार मत करना, और किसी से राग में भी मत पड़ना, और किसी से द्वेष में भी न पड़ना। ये राग और द्वेष, इसी को हम कह सकते हैं मोह और बैर, यही भाव बंधन है, यही भाव सागर है। कहा यह जाता है कि मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए, तैरने के लिए मिला है, वो भवसागर कहीं नहीं है बाहर, वो भवसागर है हमारे मन के राग और द्वेष या मोह और बैर। जिसके मन से राग और द्वेष दोनों मिट गए, मोह और बैर दोनों मिट गए, उसके लिए भवसागर सूख गया, कौन अपना कौन पराया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ दोस्ती का मतलब मोह, आसक्त, चिपकाहट, अटैचमेंट,
और बैर से मतलब द्वेष घृणा। साहब कहते हैं न द्वेष न बैर प्रेम। उसी प्रेम के पाठ के सदगुरु कबीर ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम में अपना पढ़ा कोई नहीं, प्रेम में तो सब अपना हो जाते हैं। अब जब सब अपने हैं तो किससे राग करोगे और किससे द्वेष करोगे। प्रेम ही जीवन जीने का सुंदर रास्ता है और जिसके मन में सच्चा प्रेम हो जाता है वो सबसे अनासक्त भी हो जाता है। उसी के जीवन जीने का तरीका सुंदर होता है। इस बात को हमें समझना है और समझ करके विनम्रता पूर्वक जो बन सके सेवा और प्रेम का व्यवहार करते हुए मन को समेट कर आत्म अंतर्मुख करना है और अंतर्मुख करके अपने आत्मकल्याण की साधना का भी काम करते चलना है। इस समय आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।